दोस्तों, क्या आप भी चाय के शौकीन हैं? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पी जाने वाली ड्रिंक अगर कोई है तो वो है चाय। जी हाँ, चाय। हमारे यहाँ तो अगर किसी को चाय ना पूछी जाए तो लगता है कि उसे इज्जत नवाजी ही नहीं गई। सो, चाय के बहुत सारे रूप है। कहते हैं ना कि दिल नहीं लग रहा है तो चलो चाय पीते हैं, क्योंकि चाय एक मूड फ्रेशनर का भी काम करता है, चाय टुगेदरनेस बढ़ाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बगैर चाय के तो बिस्तर ही नहीं छोड़ते, यानी कि बेटी की आदत है। तो चाय हमारे जीवन में बहुत अहम रोल निभाता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ दिल नहीं कर रहा है, चल चाय पीते हैं। और बहुत फेमस गाना आपने सुना होगा कि एक एक गर्म चाय की प्याली हो और कोई उसको पिलाने वाली हो। दोस्तों, चाय को लेकर के आज कुछ भ्रांतियां हैं जो लोगों के दिमाग में है कि चाय पीने से इंसान काला होता है, चाय पीने से आपकी सेहत खराब होती है। ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, किसी भी चीज को अगर आप जरूरत से ज्यादा लेते हैं तो उसका नुकसान तो है। चाहे वो आप कितनी भी अच्छी चीज जरूरत से ज्यादा अगर आप लेते हैं तो वो नुकसानदेह होती है। लेकिन 2 से 3 कप चाय अगर आप हर दिन लेते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे भी आपको मिलते हैं, क्योंकि चाय के अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है। सो, चाय लेने के तरीके को अगर हम थोड़ा सा बदल दें, चाय में सिर्फ अगर हम 2 चीजें ऐड कर दें, तो आप अपने चाय के फायदे को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। चाय से आपको स्वाद तो मिलता ही है, साथ ही साथ इसे लेकर के आप बहुत सारी बीमारियों से भी छुटकारा पा सकते हैं, अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं और चाय का बेहतरीन आनंद ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही खास वीडियो, जहां मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे 2 इंग्रेडिएंट मिला करके आप अपने चाय को बहुत ही हेल्दी चाय बना सकते हैं। दोस्तों, मैं सरिता झा और इस चैनल पे मैं हमेशा इस तरीके की वीडियोस लाती हूँ जिससे आपके जीवन शैली को थोड़ा सा बदल पाऊं। आपके जीवन में थोड़ी सी भी इम्प्रूवमेंट अगर मेरी वजह से हो तो आभार मानती हूँ। सो, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर अपने चाय में आप ये 2 चीजें डाल दें तो चाय से मिलने वाले जो फायदे हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं। दोस्तों, चाय में जो सबसे पहले इन्ग्रीडियंट हमें डालनी है चाय बनाते समय, वो है अदरक। कई लोगों का ये मानना है कि अदरक नहीं लेना चाहिए, लेकिन अदरक के बहुत सारे गुणकारी फायदे हैं जो हमें अपने जीवन में जरूर शामिल करना चाहिए। और अदरक वाली चाय सुन के ही मुंह में पानी आ जाता है। कई जगह लोग स्पेशल अदरक वाली चाय पीने काफी दूर दूर भी चले जाते हैं, चाय के नाम पे हम कहीं भी चले जाते हैं जो चाय प्रेमी होते हैं। मैक्सिमम पंजाबी फैमिलीज चाय में अदरक जरूर डालती हैं, और अगर आप अपने चाय में अदरक नहीं डालते तो चाय के जो मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलने थे ना, उससे आप खुद को महरूम रख रहे हैं। अदरक का सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो आपके शरीर में सूजन को कम करती है। ये आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करती है। अगर आपको नौजिया की शिकायत है तो उसे भी ये कम करती है। आपके जोड़ों के दर्द में भी आपको आराम पहुंचाती है। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो अदरक से आपको मिलते हैं। तो अगर अपनी चाय में आप अदरक नहीं डालते हैं तो इन सारे बेनिफिट से आप खुद को महरूम रख रहे हैं। सो, अपनी चाय में अगर आप अदरक डालते हैं तो ये जितने भी बेनिफिट्स मैंने आपको बताए ना, ये सारे के सारे बेनिफिट्स आप सिर्फ 1 कप चाय के साथ अपनी बॉडी को दे सकते हैं। दूसरी चीज जो आपको अपनी चाय के अंदर डालनी है वो है सिनेमन, यानी कि दालचीनी। दालचीनी एक इंडियन स्पाइस है। इसके बड़े सारे फायदे हैं। इसकी खुशबू बहुत भीनी सी होती है। दालचीनी किसी भी खाने में डालें तो उसका जो खुशबू है वो काफी बढ़ जाता है। सो, इसका इस्तेमाल इंडिया में काफी किया जाता है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल अगर हम अपने चाय में भी करना शुरू कर दें तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स आप डेली ले पाएंगे बगैर खाने के। सिर्फ 1 कप चाय के साथ आप मल्टीपल बेनिफिट्स ले सकते हैं, अपनी बॉडी को वो बेनिफिट्स दे सकते हैं थ्रू चाय। दालचीनी के अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि आपकी बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया तो उससे फाइट करने में ये आपकी मदद करता है। दालचीनी आपके ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करती है और आपके ब्लड शुगर को मेंटेन करती है। साथ ही साथ जब इसे चाय में हम डालते हैं तो चाय के अंदर एक काफी भीनी सी खुशबू भी आ जाती है, एंड साथ ही साथ दालचीनी के अंदर एक अलग सी मिठास आती है, तो वो भी आपकी चाय को मिल जाती है। इसके अलावा ये वेट लॉस में भी काफी बेनिफिशियल होता है। अदरक एंड दालचीनी ये दोनों ही वेट लॉस में भी काफी बेनिफिशियल होता है। तो ये 1 कप चाय आपके वेट लॉस में भी आपकी मदद करती है। तो अगर अपने चाय के अंदर आप ये दोनों चीजें डालेंगे तो आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे।
बोनस में एक चीज और, अगर इन दोनों चीजों के साथ साथ एक इंडियन स्पाइस आप और अपने चाय में ऐड कर लें, कहते हैं ना मसाले वाली चाय, इससे आपकी चाय को एक बहुत ही बेहतरीन खुशबू मिलती है, साथ ही साथ बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं। ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करता है, ये आपके नसों को ताकत देने का काम करती है, साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है और आपके नसों को स्टिमुलेट भी करती है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी आ जाती है। तो छोटी इलायची को भी आप अपने चाय के अंदर डाल सकते हैं। और चाय में जब हम दालचीनी डालेंगे तो चाय के लिए हमेशा हमें ये देखना है श्रीलंकन सिनेमन हम खरीदें, क्योंकि श्रीलंकन दालचीनी में मेडिसिनल बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो चाय के लिए हमेशा श्रीलंकन दालचीनी ही हम खरीदें। अब चाय को लेकर के जो एक चीज हमारे दिमाग में आती है कि यस चाय के थ्रू बहुत सारी चीनी हम लेते हैं, तो यस ये एक नुकसान है। सो चीनी जो है वो व्हाइट पॉइजन माना जाता है, उससे चीनी के कोई बेनिफिट नहीं होते, लेकिन नुकसान बहुत सारे हैं चीनी के। तो बेहतर है कि चाय में चीनी नहीं, चीनी की जगह अगर हम गुड़ का इस्तेमाल करें तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स, आपको गुड़ के भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। सो चाय में चीनी की जगह हम गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं और 2-3 कप चाय से ज्यादा ना पिए। चाय में गुड़ डालने से आपको मिठास तो मिलेगी ही, साथ ही साथ चीनी से मिलने वाले नुकसान से भी आप बच सकते हैं। और कोशिश करें कि चाय थोड़ी फीकी पी जाए, क्योंकि जब आप उसमें दालचीनी डालते हैं तो उसकी एक हल्की सी मिठास तो चाय में ऐसे भी आ जाती है। और अब मैं आपको बताती हूँ चाय को कैसे बनाएं, चाय को किस तरीके से बनाया जाए, तो कितने इंग्रेडिएंट में इन चीजों को डाला जाए। तो जब आप 1 कप चाय बनाते हैं तो उसमें 1/2 चम्मच 1/2 टीस्पून घिसा हुआ अदरक डालेंगे, 1/4 टीस्पून हम सिनेमन का पाउडर डालेंगे और 1 इलायची। ये है 1 कप चाय की इंग्रेडिएंट। और जब आप चाय बढ़ाएं तो इस तरीके से आप इसे बढ़ा सकते हैं। और चाय बनाने का तरीका है कि सबसे पहले हम पानी डाल करके पानी को उबलने दें, उबलते हुए पानी में हम अदरक डालेंगे, अदरक को उबलने देंगे, उसी में हम डालेंगे सिनेमन। पहले हम इन्हें उबाल लेंगे, उबालने से इनके जो सारे बेनिफिट्स हैं उस पानी में आ जाते हैं। उसके बाद हम चाय की पत्ती डालेंगे, क्योंकि चाय की पत्ती में भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, तो इसे भी हम अच्छे से उबालेंगे पहले। और चाय को हमेशा धीमी आंच पर पकाएं, सो दैट इसके जो बेनिफिट्स हैं वो पानी में अच्छे से आ जाएं। और स्वाद भी, एक्चुअली चाय को जब आप धीरे धीरे उबाल के बनाते हैं तभी चाय का असल स्वाद भी आता है। और जब ये सारी चीजें उबल जाए तब हम ऊपर से दूध डालेंगे, और दूध डाल के भी चाय को धीमी आंच पर उबालें ताकि स्वाद भी आए और इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स भी आपको मिल जाए। और जब चाय पूरी तरीके से पक जाए तो उतारने से पहले इसमें हम गुड़ या चीनी, जो भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। अगर आप चीनी वाली चाय भी पीते हैं ना, तो हार्डली 2-3 कप, उससे ज्यादा चाय ना पिए। और चाय थोड़ी सी फीकी अगर पिएंगे तो ज्यादा अच्छी रहेगी। किसी ने कहा था कि फीकी चाय और फीकी जिंदगी अच्छी नहीं लगती, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप चाय फीकी नहीं पिएंगे तो आपकी जिंदगी फीकी हो सकती है। बहुत ज्यादा चीनी अगर आप लेते हैं तो वो सही नहीं है। सो चाय थोड़ी फीकी ही पिए, और कोशिश करें कि अगर चीनी की जगह हम गुड़ का इस्तेमाल करें तो ये और भी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। और हाँ, एक खास बात, कभी भी खाना खाने के फौरन बाद चाय ना पिए, क्योंकि जब खाना खाने के तुरंत हम चाय लेते हैं ना, कई लोगों को मैंने देखा है कि खाना खत्म हुआ नहीं या फिर खाना के साथ वो चाय पीते हैं। तो जब आप ऐसा करते हैं ना, तो खाने से मिलने वाले जो न्यूट्रिशन होते हैं ना, वो आपको नहीं मिल पाते। तो इन चीजों का ध्यान रखें और चाय को आप दिन भर में 2-3 कप से ज्यादा चाय ना पिए। और इस तरीके से अगर आप चाय पियेंगे तो जी चाय का लुत्फ भी आप ले पाएंगे और चाय के मेडिसिनल बेनिफिट्स को भी आप इंजॉय कर पाएंगे और अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि चाय हम सब पीना चाहते हैं, लेकिन हमारे माइंड में बिठा दिया गया है कि नहीं, चाय के बहुत सारे नुकसान है, लेकिन इससे मिलने वाले बेनिफिट्स आपको किसी ने नहीं बताया। सो चाय में सिर्फ ये 2-3 चीजें अगर हम ऐड कर लें तो हमारे चाय से मिलने वाले नुकसान कम हो जाएंगे और चाय के जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि चाय पत्ती में भी एंटीऑक्सीडेंट होता है। सो दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, मैं हमेशा कहती हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताना मुझे ना भूलें
कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्या इस वीडियो के बाद आपने अपने चाय में ये दोनों चीजें डालनी शुरू करी। सो आपके कमेंट का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। सो इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसके कुछ बेनिफिट्स आपको जरूर मिले होंगे। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।